हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन से जो आया है सैंपल पेपर इस बार का, तो क्लास टेंथ का है सोशल साइंस का। तो उसके बाद देखते हैं मार्किंग स्कीम क्या है इसकी। यहाँ पे मार्किंग स्कीम दी हुई है, तो मैं मार्किंग स्कीम आपको इंडिविजुअली अपने इंस्टाग्राम पे सेंड कर दूँगा इमेज, ठीक है, अगर आप चाहिए तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आता है कि बाय वॉज साइमन कमीशन सेंट टू इंडिया। क्वेश्चन नंबर टू, नेम द पेंटिंग प्रिपेयर्ड बाई फ्रेडरिक सॉ इन 1848। क्वेश्चन नंबर थ्री, हु वर अलायंस ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और वट वर ट्रेड गिल्ड्स। क्वेश्चन नंबर फोर, वॉट इज कैलीग्राफी। क्वेश्चन नंबर फाइव, डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर सिक्स, वॉट इज कॉमर्शियल फार्मिंग। क्वेश्चन नंबर सेवन, विच इज़ द बेस्ट वैरायटी ऑफ आयरन ओर। क्वेश्चन नंबर एट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर नाइन, वेन डिड बेल्जियम गेन इंडिपेंडेंस। क्वेश्चन नंबर टेन, वॉट डू यू मीन बाई डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। क्वेश्चन नंबर एलेवन, विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द लोवेस्ट इन्फंट मोरालिटी रेट। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, विच कंट्री हैज़ वन पार्टी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर थर्टीन, वॉट डज द लेजिटिमेट गवर्नमेंट मीन। क्वेश्चन नंबर फोर्टीन, वॉट विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज फाउंड इन द मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन, एट एनी वन इंडिकेटर ऑफ HDI। क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन, वॉट इज फुल फॉर्म ऑफ GDP। क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन, वॉट इज सेकेंडरी सेक्टर। क्वेश्चन नंबर एटीन, वॉट आर द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। क्वेश्चन नंबर नाइनटीन, वॉट इज चेक। क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी, वॉट इज मीन बाय द ट्रेड बैरियर। अब आते हैं क्वेश्चन आपके तीन मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 21, वाई इज इट सेड दैट देर वर नो अदर वॉर अर्लियर लाइक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। स्टेट एनी थ्री पॉइंट्स। और हाउ डिड सीजनलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अफेक्ट द लाइफ ऑफ इंडियन वर्कर ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 22, Efficient means of transport are prerequisite for the fast development. Express your views in favor of this statement. Question number 23, explain the vertical division of power sharing. Complement it with the example from India. Question number 24, state any two measures to check casteism in India. Question number 25, what is meant by the national political party? State the condition required for to be a national political party. Question 26, people have conflicting development goals. Support the statement with suitable example. Question 27, name the sector that is biggest and that is largest employer in India. Why does this sector produce only a quarter of national GDP? Question 28, how can money be easily exchanged for goods or services? Give an example to explain. Question 29, analyze the measures and the practices introduced by the French revolutionaries to create a sense of collective identity amongst the French people. Question number 30, why did Gandhi decide to launch a nationwide movement, nationwide satyagraha against the proposed Rowlatt Act of 1890? How was it organized? Question number 31, highlight the importance of petroleum. Explain the occurrence of petroleum in India. Question number 32, the economic strength of country is measured by the development of manufacturing industries. Question number 33, bringing out any two spear contrast between the Belgium and the Sri Lankan democracies. Question number 34, what is globalization? Describe the role of multiple corporation in promoting the globalization process. Aur main last question padhne se pehle aap hamare channel ko subscribe kar lijiye, aur jo aapka paper hone wala hai abhi, ऐसे इंग्लिश का हुआ था, हमने इंग्लिश के लिए जो मार्किंग स्कीम थी इस साल की वो मैं अपलोड कर दी, ठीक है। अब आपका पेपर जो कल है वो हिंदी का है, फिर आपका पेपर आता है आपका मैं साइंस, फिर मैथ, फिर SST है। तो अगर चाहते हैं आपको उसका मार्किंग स्कीम मिल जाए पेपर के तुरंत ही, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा क्वेश्चन आता है लास्ट वाला, वो है कि 35, लोकेट एंड लेवल द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द मैप ऑफ इंडिया। पहला पॉइंट आता है द प्लेस वेयर कांग्रेस सेशन ऑफ 1929 वाज हेल्ड। बी द प्लेस वेयर गांधी जी ब्रेक साल्ट लॉ। सी द प्लेस वेयर कांग्रेस सेशन हेल्ड टू अडॉप्ट नॉन कॉरपोरेशन प्रोग्राम। डी ब्लैक सॉयल कवर्स एरिया। ई मेजर रबर प्लांटेशन एरिया। एफ तुतोकोरिन पोर्ट। और ये हमारा आता है मार्किंग स्कीम। तो अगर आप चाहिए मार्किंग स्कीम के साथ क्वेश्चन पेपर भी, तो इंस्टाग्राम के लिंक बॉक्स में आप चेक कर लीजिए एक बार। मैं आप अगर आप मैसेज करते हैं कि एनिमेशन स्टडी करके #, तो मैं आपको मार्किंग स्कीम और क्वेश्चन दोनों साथ में ईमेल सेंड कर दूंगा इंडिविजुअली, ठीक है। सो बस आते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे।
जो हमारी वीडियो आएगी कल वाली वो होगी हिंदी की मार्किंग स्कीम जो आपकी कल होने वाली है हिंदी का एग्ज़ाम। सो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जो आपके पेपर थे इंग्लिश वाली हमने अपलोड कर दिया, आपको वीडियो मिल जाएगी बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।